अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कनाडा के पीजी वर्क परमिट के बारे में। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाली घंटी को भी बजा दो ताकि आने वाली आप वीडियो देख सको। अभी शुरू करते हैं पीजी वर्क परमिट। पीजी वर्क परमिट क्या होता है कनाडा का? पीजी वर्क परमिट होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ये उनको मिलता है जो वहाँ स्टडी की हो, जिसने उसको वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये अप्लाई करता है, फिर अप्लाई करके एक्सपीरियंस लेता है, फिर पीआर के लिए अप्लाई करता है। अभी थोड़ा इजी हो गया है। ईजी कैसे हो गया है कि कनाडा गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि ना फ्लाइटें हो रही ना यूनिवर्सिटी खुल रही, तो आप अगर अपनी कंट्री से ऑनलाइन स्टडी करते हो कनाडा के लिए दिसंबर तक ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो वो ऑनलाइन स्टडी भी कनाडा की स्टडी मानी जाएगी। मानी से मुराद एक होता है ना, जब आप कंट्री के अंदर जाके कनाडा जाके जो स्टडी करते हो सेम लेवल पे आ जाएगी ऑनलाइन स्टडी और कंट्री, क्योंकि फ्लाइटें नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ बंद है, इसलिए उन्होंने ये रूल निकाला कि आप ऑनलाइन स्टडी करो, वो आपकी स्टडी में काउंट होगी। दिसंबर के बाद आप कनाडा आ जाओ तो वो सारी स्टडी काउंट होके आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजी के लिए शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि आपकी जो स्टडी है कम से कम 8 माह की 9 माह की होनी चाहिए, उससे आगे साल, 2 साल 3 साल, कम से कम 8-9 माह की होनी चाहिए। अगर 8-9 माह की आपकी स्टडी होगी तो जैसे स्टडी कंप्लीट होगी तो 8-9 माह का आपको पीजी वर्क परमिट मिल जाएगा। 2 साल की स्टडी है तो 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 1 साल की स्टडी है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। जितनी आपकी स्टडी है उतना वो एक्सटेंड करके आपको वर्क परमिट दे देंगे, ये है। और जो ऑनलाइन का वो बात करें, फॉर एग्जांपल आप आज स्टडी शुरू करते हो और दिसंबर तक आपके 6 माह 7 माह हो जाते हैं स्टडी को, और फिर आप 7 माह बाद कनाडा जाते हो और आगे आपकी 2 माह की स्टडी बकाया रह रही हो, तो वो 2 माह की आप कनाडा में करते हो, तो वो पूरी की पूरी 1 साल की स्टडी आपकी कनाडा की ही मानी जाएगी। तो ये सबसे सबसे अच्छा टाइम यही है जो भाई बाहर कनाडा जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। एक तो ये कि ऑनलाइन स्टडी सस्ती होगी, दूसरा आप अपने घर में सेफ हो रह के पढ़ सकते हो, तो ये कि जब आप वहाँ जाओगे आपकी स्टडी कनाडा की अंदर वाली समझी जाएगी, ऑनलाइन ही समझी जाएगी, और कुछ आपके पास दिसंबर तक का टाइम भी होगा, आप और अपनी सेविंग कर सकते हो। और पीजी की फ़ी होती है $255 इसकी फ़ी होती है। जैसे मैंने बताया, जितनी आपकी स्टडी हो उतना आपको पीजी वर्क परमिट मिलता है। और इसके ये भी फ़ायदा है कि ये पीजी वर्क परमिट लेने के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल है ये, पीआर के लिए भी मानी जाती है, तो आप फिर बाद में पीआर के लिए अप्लाई करके परमानेंट भी हो सकते हो कनाडा में। होप कि वीडियो आपको यार अच्छी लगी तो फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो भी देख सकें, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।